फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस, आपसे पूछा गया है कि इसके लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या होगा, मतलब इधर से 20th टर्म क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, मैं पहला तरीका आपसे डिस्कस करता हूं। सॉल्यूशन, पहले तो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए, तो ए आपका 3 है, डी आपका कितना है 318, ये क्वेश्चन गलत कॉपी किया हुआ है, 3813 है, सॉरी, ठीक है। तो डी हमारा कितना होगा 8 माइनस 3 5, और लास्ट टर्म हमारा कितना है, एन है हमारा 253। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन हमारा कितना है 253 इज इक्वल्स टू ए हमारा 3 है प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हमारा 5 है। इस 3 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, 253 माइनस 3 इज 250, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मैं स्टेप जंप कर रहा हूं, माइनस 3 कर दिया, एन माइनस 1 इंटू 5, दिस 5 को, इस 5 को आप इधर क्या करो, शिफ्ट करो, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 250 बाई 5 विच इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो ये हो गया आपका 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1, देयरफोर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 1 इज 51, नंबर ऑफ टर्म्स हमारा निकल गया कि 51 होगा। अब मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल 51 टर्म है, आपको बताना है कि बैकवर्ड साइड से मतलब इस राइट साइड से 20th टर्म क्या होगा। तो उसके इसको समझने के पहले आप एक चीज समझो, यहां पे मान लीजिए एक नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 नंबर दिए हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बैकवर्ड डायरेक्शन से मतलब राइट हैंड साइड से 4th टर्म क्या होगा, ठीक है, तो 4th टर्म हमारा क्या होगा 1 2 3 4, तो यहां तो छोटा नंबर हमने काउंट करके 7 निकाल लिया, बट इसको निकालने का प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 200 टर्म है, आपसे पूछा जाए कि बैकवर्ड डायरेक्शन से 48 टर्म क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, तो देखो इसमें टोटल 10 टर्म है, आपसे पूछा गया है कि बैकवर्ड डायरेक्शन से 4th टर्म क्या होगा, तो इसमें से 4 माइनस कर लो, ठीक है, और 4 माइनस करने के बाद प्लस 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब 10 माइनस 4 6 6 प्लस 1 7 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब इधर से हम ये काउंट कर लेंगे 7th टर्म हमारा आंसर हो जाएगा। जनरली बच्चे करते क्या है कि 10 टर्म है राइट साइड से, आपको 4th टर्म निकालना है, तो 10 माइनस 4 करते हैं तो 6 आ जाता है, वो 6th निकाल के चले आते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो आप क्या करेंगे कि जितने टर्म दिए हुए हैं, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है और जो रिक्वायर्ड है उसको माइनस कर लेंगे और उसमें प्लस 1 जरूर कर देंगे, तो आपका द टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखिए, तो मैं यहां बनाता हूं, देयरफोर आपसे पूछा गया है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। तो देखो हमें ये पता चल चुका है यहां पे कि टोटल 51 टर्म है, मतलब लास्ट टर्म जो है 51th टर्म है, तो 51 में से आप क्या करेंगे 20 को माइनस करेंगे पहले, फिर इसमें 1 ऐड करेंगे, ये जितना भी आएगा टर्म इसको मैं मिटा देता हूं, अब टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। अब ये कितना आएगा 51 माइनस 20 31 प्लस 1 32 है, 32nd टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब आप इसको A32 कह सकते हैं, ठीक है। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होगा A32,
सेकेंड टर्म होगा। अब इसको निकाल दीजिए तो ए थर्टी सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 31 डी होगा। आपको ऑलरेडी ए और डी दोनों पता है, ए हमारा कितना है 3 है, प्लस 31 इंटू डी हमारा कितना है 5 है, तो ये हो गया 5, तो ये आपका हो गया 3 प्लस 5 15, इट इज 158। ठीक है, दिस इज ओनली 158, मतलब आपका जो लास्ट से 28 टर्म होगा वो क्या होगा 58 टर्म होगा, समझ गए। अब देखिए ये हो गया आपका एक तरीका निकालने का। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को बनाने का थोड़ा आसान है, बट वो चाइल्डिश अप्रोच होगा आपका, वो देखिए आप कैसे बनाएंगे। यहां यहीं पे मैं बता देता हूं दूसरा तरीका क्या करो कि इस सीरीज को उल्टा कर दो। ठीक है, यहां मैं बना देता हूं, यहीं पे बन जाएगा ये, इस सीरीज को उल्टा कर दो। देखो आपको क्लियरली विजिबल है कि 5 यहां पे कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 253 है, 253 है, तो इसमें से आपको क्या करना है 5 कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा, टू फिफ्टी थ्री है तो ये कितना हो जाएगा, 5 कम करेंगे तो 248 हो जाएगा, ऐसा कुछ ये सीरीज बनेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, सीरीज को रिवर्स कर दिया है, 13 8 3 13 8 3। अब इसमें आप आसानी से 820 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो 820 होगा वो इस सीरीज का लास्ट से 28 टर्म होगा। अब यहां देखो a इज इक्वल टू आपका 253 हो गया, d आपका कितना होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा d माइनस 5 हो जाएगा, nth टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म यहां पे 3 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस, अच्छा यहां फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या निकालना है 28 टर्म निकालना है, तो सीधे आप a20 निकाल दीजिए, a20 आपका कितना होगा, a प्लस 19d होगा। ठीक है, ये हो गया, a हमारा कितना होगा 253 प्लस 19 और d हमारा कितना है माइनस 5 है, समझ रहे हैं। मैंने सीरीज को रिवर्स कर दिया है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है रिवर्स कर दिया है, तब क्या होगा 28 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होगा जो कि हम निकाल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा 253 माइनस 19 फाइव 95 माइनस करके देखो 13 माइनस 5 8 4 यहां होगा तो 14 माइनस 9 5 एंड 2 तो 1 बचा, 158 इज इक्वल टू 20th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग फॉर दिस सीरीज। तो हमसे इसका रिवर्स पूछा गया है, तो लास्ट फ्रॉम 20th टर्म क्या होगा 158 होगा। तो ये एक चाइल्डिश अप्रोच हो गया, ये आपका जो हुआ एक्सप्लेनेटरी अप्रोच कर सकते हैं आप इसको, कि आप क्वेश्चन में कोई चेंज किए बिना सीधे सीधे क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो आप वैसे आप दोनों में से कोई अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, नोट कीजिए।